नाया जैक्स ने बताया क्या माहौल था बैक स्टेज जब रोमन रेन ने की थी अपनी रिटर्न। स्मैकडाउन लाइव के लिए दो मैच हुए अनाउंस और द सील्ड होगी रीयूनियन, लेकिन कब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांश, आप देख रहे हैं रसल अपडेट। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन के लिए अनाउंस हुए मैच वाली खबर से। तो गाइस WWE ने अगली स्मैकडाउन लाइव यानी कि 5 मार्च 2019 को होने वाली स्मैकडाउन लाइव के लिए दो मैच अनाउंस कर दिए हैं। गाइस बात करते हैं इन मैचेस की। तो गाइस पहला मैच है US टाइटल मैच। गाइस ये एक ओपन चैलेंज मैच होगा, जैसा पिछली स्मैकडाउन लाइव में आर्थरोथ ने ओपन चैलेंज मैच अनाउंस किया था और फिर आर्थरोथ, अंडरटेकर, अल्मास और री मिस्टीरियो के बीच मैच हुआ था और गाइस इस मैच में आर्थरोथ ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया था। गाइस अगली स्मैकडाउन लाइव में भी हमें US ओपन चैलेंज मैच देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। गाइस बात करें दूसरे मैच की, तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फास्ट लेन 2019 के पेपर व्यू में एक मैच होने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के लिए और गाइस ये मैच होगा द उसोस और द मिज शेन मैकमैन के बीच में। लेकिन गाइस अगली स्मैकडाउन लाइव में हमें द मिज और जे उसो के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज ये वो दो मैच हैं जिन्हें WWE ने अगली स्मैकडाउन लाइव के लिए अनाउंस कर दिया है। लेकिन गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेन से। तो गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली रो में हमारे बिग डॉग रोमन रेन ने अपनी रिटर्न की और गाइज रिटर्न के बाद उन्होंने हमें यहाँ अपनी बीमारी के बारे में अपडेट दिया कि उनका ल्यूकेमिया अब रिमिशन में है और वो ठीक हैं और उन्होंने कहा कि बिग डॉग वापस आ गया है। लेकिन गाइज रोमन रेन जब ये अनाउंस कर रहे थे तो बैक स्टेज लोकर रूम में क्या हो रहा था, गाइज इसका राज खोल दिया है नाया जैक्स ने। गाइज नाया जैक्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय बैक स्टेज लोकर रूम में क्या हो रहा था। गाइज नाया जैक्स ने कहा कि हम सबको इंतजार था कि रोमन रेन क्या कहेंगे। जब रोमन रेन ने बताया कि उनका ल्यूकेमिया रिमिशन में है और वो ठीक है तो हम सब लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए। हम सबकी आंखों में से आंसू झलक रहे थे और ये आंसू खुशी के थे। रोमन रेन के बिना हम सबको अधूरा सा महसूस हो रहा था, लेकिन जब रोमन रेन ने बताया कि वो वापस आ चुके हैं तो हमें पूरा पूरा सा महसूस होने लगा था, क्योंकि हम अपने सुपरमैन को याद कर रहे थे और वो वापस आ गया था। गाइस ये सब कुछ नाया जैक्स ने बताया कि उस दिन बैक स्टेज क्या हो रहा था। गाइस सच में वो पल अलग ही था जब हमारे बिग डॉग रोमन रेन ने वापसी की थी। लेकिन गाइस अब हम बढ़ते हैं आज की बड़ी और आखिरी खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है द सील्ड के रीयूनियन से। तो गाइस जब से रोमन रेन ने अपनी रिटर्न की है तब से हर कोई जानना चाहता है कि द सील्ड का रीयूनियन कब होगा और कब हमें रोमन रेन, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस एक साथ देखने को मिलेंगे। गाइस इसको लेके काफी रूमर्स भी उड़ रहे थे और गाइस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फास्ट लेन पेपर व्यू के लिए 2-on-3 हैंडीकैप मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन गाइस अब द सील्ड की रीयूनियन होने पर एक खबर आ गई है। गाइस डेम मेल्जर ने बताया कि अगली रॉ के लिए एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, वो प्लान है द सील्ड के रीयूनियन को लेके। गाइस डेव मेल्जर ने बताया कि अगली रॉ यानी कि 4 मार्च को होने वाली रॉ में द सील्ड का रीयूनियन देखने को मिल सकता है। गाइस डेव मेल्जर ने यह भी बताया कि WWE के अंदर अगली रॉ में डीन एम्ब्रोस को द सील्ड में इन्वॉल्व करने के लिए बातें चल रही हैं और फिर फास्ट लेन में 3-on-3 मैच के लिए भी बातें चल रही हैं और गाइस ये मैच होगा द सील्ड वर्सेज ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लेस्ली और बैरन कॉर्बिन। यानी कि गाइस अगली रॉ में हमें द सील्ड का रीयूनियन देखने को मिलेगा और यानी कि अगली रॉ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन द सील्ड को फिर से एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पास में जो बेल वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे WWE के लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट रूमर्स और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।